हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3S फैमिली होम किचन में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो नवरात्रि चालू हो गई, तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ नवरात्रि के लिए एक डिश शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है पूरी के लिए, यहाँ पे चना दाल ले लिया है भिगो के रख दिया था मैंने, टमाटर ले लिया है, धनिया पत्ता, आलू, और ये हरी मिर्ची का पेस्ट है और ये अदरक का पेस्ट है। तो बिना लहसुन प्याज के बनेगा, तो इसमें एक ट्विस्ट भी है, आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए पहले दाल आलू को बॉईल कर लेते हैं और टमाटर को भी हम दाल के साथ ही सीटी लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर में देखिए चना दाल को ले लिया है, इसमें अभी हम डाल देंगे। आलू को मैंने अच्छे से धुल के दो टुकड़ों में काट लिया है ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, और इसी में अभी डाल देंगे हम दो टमाटर, और इसमें लीड लगा के हम दो सीटी आने तक इसको कुक कर लेंगे। तो पूरी बनाने के लिए हम इसमें ले लेंगे दो चम्मच तेल, और इसी में अभी हम डाल देंगे नमक। तो मैं यहाँ पे हाफ चम्मच नमक ले रही हूँ, साथ ही में इसमें हम ले लेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दाल को उबाल के इसका पानी निकाल लिया है, और यहाँ पे आलू भी सॉफ्ट हो गया, टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो गया है, और अभी हम इसमें डाल देंगे दो टुकड़े आलू कद्दूकस करके। तो मैंने यहाँ पे दो आलू को कद्दूकस करके ले लिया, अभी हम मैदे को अच्छे से मयान लगा लेंगे और आलू को हम हाथ से अच्छे से तोड़ लेंगे सब्जी के लिए। मैंने यहाँ पे हाथ से आलू को तोड़ लिया है। तो मैंने यहाँ पे पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें अभी मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दूंगी। तो यहाँ पे तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें अभी हम डाल देंगे तेज पत्ता, इलायची, छोटी वाली इलायची एक और बड़ी वाली इलायची दो मैंने ले लिया है लौंग, और ले लिया है काली मिर्च और दालचीनी, इसको भी हम तेल में डाल देंगे। थोड़ा सा भून लेंगे इसको अच्छे से। तो जैसे थोड़ा सा भून जाता है, इसमें भी हम डाल देंगे ये टमाटर जो हमने बॉईल करके रखा था। टमाटर को आप चाहो तो पेस्ट भी बना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने इसको थोड़ा सा साबुत रखा है, इसके भी हम डाल देंगे हरी मिर्ची का पेस्ट एक चम्मच, और अदरक हम ले लेंगे एक चम्मच, और सारी चीज़ों को अच्छे से हम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पे टमाटर और अदरक मिर्ची की पेस्ट को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है, अभी हम इसमें डाल देंगे बॉईल किया हुआ आलू, इसको भी हम अच्छे से सारी चीज़ों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा पकने देंगे। आलू को भी मैंने अच्छे से थोड़ा सा पका लिया है, अभी हम इसमें डाल देंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक ले रही हूँ, साथ में डाल दूंगी हल्दी 1 चम्मच, डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर आपके तीखे के अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट जितना आप तीखा खाते हो उसके हिसाब से डाल सकते हैं। डाल देंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, कलर के लिए डाल देंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसालों को हम आलू के साथ 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ी देर पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को आलू के साथ पका लिया है, अभी हम इसमें डाल देंगे बॉईल किया हुआ दाल। दाल को भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें लीड लगा देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। मैंने इसको 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है, अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 ग्लास पानी ले लिया है, अभी इसको दोबारा मैं लीड लगा दूंगी
इसको अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए हम छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे, और इसमें अच्छे से बॉयल भी आ जाएगा। तो चलिए इसको कुक होने देते हैं। तो यहाँ पे सब्जी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई, इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे। तो देखिए सब्जी हमारी रेडी है, तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैदा का मैं लगा के छोड़ दिया था जब तक सब्जी मेरी बन रही थी, और मैंने 2 पूरी बेल लिया है। तो चलिए इसको सेक लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरी अभी सेक के निकाल लिया है, यहाँ पे सब्जी भी हमारी रेडी है। नवरात्रि में आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए न्यू रेसिपी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।